अगली विटामिन की हम बात करते हैं, इसे विटामिन B3 है, जिसे नियासिन भी कहते हैं, या फिर इसको निकोटेनिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये क्या है, देखिए नियासिन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज अ न्यूट्रिएंट विच प्रिवेंट पेलेग्रा, ठीक है। जैसे विटामिन B1 थी वो बेरी बेरी से हमें प्रिवेंट कर रही थी, इसी तरीके से जो विटामिन B3 है जैसे नियासिन कहते हैं, ये हमें पेलेग्रा से प्रिवेंट करती है। तो इनकी एक पर्टिकुलर डिजीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो कि हमें यहाँ से प्रिवेंट करती है। इट इज़ विटामिन विच इज़ कनेक्टेड विद सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये भी बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उनके साथ कनेक्टेड होती है, एज अ कोएंजाइम ये वर्क करती है, ठीक है। यदि हम इसके डेली अलाउंसेस की बात करते हैं, RDA की बात करते हैं B3 की, तो यहाँ पे यदि वोमेन की बात करें तो 14 मिलीग्राम पर डे बताया गया है, इसके अलावा मेन की बात करें तो 16 मिलीग्राम पर डे बताया गया है, प्रेगनेंसी या प्रेगनेंट वोमेन की बात करें तो 18 मिलीग्राम पर डे, और एक लैक्टेटिंग वोमेन जो होती है उसके अंदर 70 मिलीग्राम पर डे यहाँ पर जो RDA है वो फिक्स किया गया है। यदि ICMR की बात करें कि विटामिन B3 का पर 1000 किलो कैलोरी के लिए कितना बताया गया है, तो 6.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी यहाँ पे जो है वो फिक्स किया गया है विटामिन B3 का लेवल, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिक रेट है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर हमारे रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो जाती है। तो कुछ कंडीशन है जैसे कि आपको फीवर आएगा या फिर स्ट्रेस ऑफ इंजरी होगा, सर्जरी होगा, तो वहाँ पर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका RDA। आगे हम बात करते हैं इसको सोर्सेज के बारे में कि विटामिन B3 के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि ट्रिप्टोफान ही किसके अंदर कन्वर्ट होता है। हमने विटामिन B2 में देखा था कि जो ट्रिप्टोफान है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, नियासिन के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यदि ट्रिप्टोफान हम अपनी डाइट में इंक्रीज़ कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक नियासिन हमारी डाइट में जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ सकती है। तो सीधी सी बात है कि यदि हम ट्रिप्टोफान की बात करें कि कितना ट्रिप्टोफान हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो प्रोटीन हमें मिल जाएगी, कितनी प्रोटीन हमें मिलेगी, तो यदि हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो उससे हमें 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन जो है मिल जाएगा, हमारी डाइट के अंदर मिल सकता है, ठीक है। यदि हम रिच सोर्स की बात करें कि विटामिन B3 के से कौन से सोर्सेज हैं जो कि रिच सोर्स होते हैं, तो जो ग्राउंड नट्स होती हैं, ठीक है, ग्राउंड नट्स हैं वो रिच होती हैं निकोटेनिक एसिड के रूप में। और हम बात करें सबसे कम पुअर सोर्स कौन सा है, तो मिल्क इसका बिल्कुल पुअर सोर्स हो जाता है कि उसमें ना के बराबर नियासिन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन मिल्क की बात करते हैं तो वहाँ से हमें ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो ड्राइड यीस्ट होता है उसके अंदर ये हमें अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा मीट हो गया आपका, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गए, फिश हो गई, इसके अलावा लीवर हो गया, होल सीरल्स हो गए आपके यानी होल ग्रेन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, नट्स हो गए, एवोकेडोज हो गए, तो इन सब के अंदर नियासिन हमें देखने को मिल सकता है। आगे देखिए फंक्शंस ऑफ विटामिन B3 की हम बात करते हैं कि विटामिन B3 के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो सबसे बेस्ट इसका जो फंक्शन आता है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम, ठीक है, यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि एक कोएंजाइम है, ठीक है, NAD जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NAD, जो कि ये क्या है, कोएंजाइम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि कोएंजाइम है जो नियासिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर करता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, जहाँ से हाइड्रोजन आयन जो निकलते हैं H+ उनको लेके जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में हम इस चीज़ को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं यानी ब्रेन फंक्शन होता है उसको इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ जो हमारी हार्ट की हेल्थ होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है विटामिन B3। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रिवेंटिंग फ्री रेडिकल डैमेज, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं उनको उनसे बचाने के लिए, यानी प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी ये काम करता है। इसके अलावा हम बात करें मैनेजिंग डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ को मैनेज करने का काम करता है, कोई अदर हेल्थ इशू है हमारी बॉडी के अंदर उसे ट्रीट करने का ये काम करता है, मेटाबॉलिज्म को एनहेंस कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लो करके रखता है यानी उसको मेंटेन करके रखता है, जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव कर देता है। आगे हम बात करते हैं हार्मोन्स की तरह भी ये वर्क करता है, क्योंकि ऐसा कोएंजाइम ये हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है, तो हार्मोन के रूप में भी ये काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। आगे हम इसके एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो किस तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन या फिर मेटाबॉलिज्म होता है वो देखिए। नियासिन इज रेडियली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यदि हमने एक्सेस अमाउंट में इसको कंज्यूम कर लिया तो ये हमारी बॉडी से एक्सट्रीट आउट भी कर दिया जाता है, लेकिन कई केसेज में ऐसा देखा गया है कि नियासिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर फॉर्म में भी रह जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन इज वन ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड विच इज प्रिकर्सर ऑफ नियासिन, ये चीज़ हमने विटामिन B2 में भी देखी थी और यहाँ भी हमें पता होनी चाहिए कि ट्रिप्टोफैन है वो नियासिन का क्या है, एक तरीके का प्रिकर्सर है, और ट्रिप्टोफैन को नियासिन में इंटरचेंज करने के लिए विटामिन B2 की हेल्प लगती है, ठीक है। सो डाइट हैविंग इनफ ऑफ ट्रिप्टोफैन प्रोवाइड सफिशियंट अमाउंट ऑफ नियासिन, तो यदि हमारी डाइट के अंदर इनफ अमाउंट में ट्रिप्टोफैन हो जाएगा तो हमें सफिशियंट अमाउंट में नियासिन भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है।
आगे हम बात करते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी3, कि विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ या फिर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो वह विटामिन बी3 है, उससे एक कॉमन डिजीज़ होती है जिसे पेलेग्रा कहते हैं, ठीक है। और ये नियासिन की कमी यानी विटामिन बी3 की कमी से हमें देखने को मिलती है। इस डिजीज़ को एक और नाम से लिया जाता है, 4D डिजीज़ भी से कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर चार डिजीज़ इंक्लूड होते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले होता है डर्मेटाइटिस, जो कि स्किन डिजीज़ है, डायरिया होता है, डेमेंशिया होता है, लास्ट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो 4D डिजीज़ किसको कहा जाता है? पेलेग्रा को 4D डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। यदि हम पेलेग्रा के सिम्टम्स की बात करें तो कुछ अर्ली सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे? वेट लूज हमें देखने को मिलेगा, फटीग, हेडेक, लूज ऑफ एपेटाइट, ये कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। कुछ इमोशनल चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे एनजाइटी हो जाएगी, ठीक है, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, यानी जो पर्सन है वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इंसोमनिया हो जाएगा। ये कुछ ऑब्जर्वेशन देखी गई इमोशनल चेंजेस विटामिन बी3 में, या फिर हम कहें पेलेग्रा के अंदर। डर्मेटाइटिस हो सकता है, जिसमें जो हमारे एक्सपोज्ड बॉडी सरफेस होते हैं, ठीक है, वो मोर एग्रीवेटेड हो जाएंगे, जैसे कि एग्रीवेटेड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे फोटो सेंसिटिव जो रैशेज हैं हमारे नेक के अंदर, हैंड्स के अंदर, आर्म्स, फिट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। यानी जो हमारे कपड़े से कवर नहीं रहते हैं बॉडी एरिया, उनमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जो हमारी स्किन है वो रफ़ हो सकती है, स्केली हो सकती है, यानी कि परतें वहाँ से झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और अल्सर यानी कि झाले या सॉरी छाले या फिर घाव जैसी चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ पेलेग्रा के सिम्टम्स होते हैं, जब पेलेग्रा बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी यदि बी3 की हो जाएगी तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। यदि कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की हम बात करें तो कन्फ्यूजन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, हेलोसिनेशन हो सकता है, पुअर मेमोरी, ये सारे जो आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं।